क्लास 10 अर्थशास्त्र का जो चैप्टर है 2 नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके जो भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनका हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। प्रथम है जो पार्ट है वो है अति लघुतरात्मक प्रश्न। फर्स्ट है इसका कि आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। तो देश की अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि व सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किसी देश के अंदर किसी विशेष वर्ग से उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है, क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब सभी लोग है वो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तब अल्प बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह अधिनियम काम के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाने वाली किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखिए। तो कृषि और मत्स्य पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल की जाने वाली गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों का रूप परिवर्तित किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, तो वो है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त जो उत्पाद है उनको परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। नेक्स्ट है कि तृतीयक क्षेत्र में शामिल की जाने वाली किन्हीं 2 गतिविधियों को बताइए। तो संचार और बैंकिंग, ये तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में किस क्षेत्र में परिसंपत्तियों का स्वामित्व है व सेवाओं का संचालन सरकार के हाथ में होता है, कौन सा क्षेत्र है? वो सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र में जो परिसंपत्तियों का जो स्वामित्व है व सेवाओं का संचालन है वो सरकार के हाथ में होता है। नेक्स्ट है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो भारतीय रेलवे, इसका संचालन सरकार के हाथ में होता है। नेक्स्ट है कि रोजगार के आधार पर क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो संगठित और असंगठित, ये रोजगार के आधार पर क्षेत्रों को जो विभाजन किया गया है उनके नाम है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को कौन कौन से क्षेत्र में विभाजित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। तो स्वामित्व आधार पर आर्थिक गतिविधियों को सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है कि लघुतरात्मक प्रश्न। फर्स्ट है कि अल्प बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? ऐसी आर्थिक गतिविधि जिसमें लगे हुए जो व्यक्ति हैं वो कुछ काम तो जरूर करते हैं परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है, इसे ही अल्प बेरोजगारी या छुपी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के कोई 2 सुझाव दीजिए। तो भारत में जो आधारभूत संरचना जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि का विकास है वो किया जाना चाहिए ताकि कृषि व उद्योगों का विकास हो सके। नेक्स्ट है कि प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर खोजे जाने चाहिए ताकि अल्प बेरोजगारी है वो दूर हो सके। ये 2 सुझाव है जो दिए गए हैं बेरोजगारी के दूर करने के लिए। नेक्स्ट है कि खुली बेरोजगारी व प्रचंड बेरोजगारी में अंतर बताइए। तो खुली बेरोजगारी का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति है वो प्रचलित मजदूरी और कुछ काम तो कर रहा है परंतु उससे पूर्ण रोजगार है वो प्राप्त नहीं होता है, जबकि प्रचंड बेरोजगारी में लोगों की उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है और वे रोजगार में तो लगे हैं किंतु उत्पादन में उनका कोई खास योगदान है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक टिप्पणी लिखिए। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और उन्हें काम की जरूरत है, सरकार द्वारा ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी देती है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पाद बढ़ाने में मदद मिलेगी।